सभी का नमस्कार। हर हर महादेव। बाइक की किक साबर टूट चुकी है। बाइक है बजाज डिस्कवर 100 cc। टूटा हुआ हिस्सा इसके अंदर फंस चुका है। सबसे पहले हम 12 mm का ये बोल्ट खोल लेते हैं। उसके बाद इस तरीके से इसको निकालिए। अब हमें इसका क्लच खोलना है। उससे पहले इंजन ऑयल निकाल लें। क्लच केबल को डिस्कनेक्ट करें। जितने भी 8 mm के बोल्ट लगे हैं सबको खोल लें। अब हमें बाहर निकालना है। एक प्लायर लें और इस तरह से घुमा के बाहर खींच लें। किक सावट अब बाहर आ चुकी है। अब हमें इसमें नया किक शाफ्ट लगाना है। उससे पहले हम इसको पूरी तरह से डिसेंबल करेंगे। एक लॉक प्लायर लें। पहला लॉक इस तरह से निकालें। उसके बाद ये सेकंड लॉक लगा है, उसको भी लॉक प्लायर से बाहर खींच लें और इस तरह से स्प्रिंग निकालें। ये थर्ड लॉक है, इसको भी ऐसे निकाल लें। उसके बाद यहाँ पर ये स्पॉकेट, ये वासल, एक वासल अंदर और ये रैचेट इस तरह से बाहर। अब नई शाफ्ट फिटिंग करना है हमको। ये एक नई शाफ्ट है, तो सबसे पहले जो है हम इसके अंदर लॉक लगाएंगे। पहला लॉक यहाँ पर लगाएं, दूसरा लॉक यहाँ पर लगाएं, अब हमने दोनों लॉक लगा दिए हैं। अब हम बारी है इस रैचेट को फिटिंग की। अब यहाँ पर आपको टाइमिंग देखा होगा आपने ज़्यादातर बाइक के अंदर, जैसे इसमें डॉट लगा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ये डॉट सभी साफ़ट में हो। देख सकते हैं पुरानी साफ़ट में कोई डॉट का मार्क नहीं है। अब कैसे टाइमिंग होगा, तो यही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो है हमें इस साफ़ट के अंदर एक स्प्रिंग डालना है। इस तरह से स्प्रिंग को डाल लें। अब इस रैचेट को लें। यहाँ पे देखिए आपको एक डॉट का मार्क दिखाई देगा, लेकिन अब जिस साफ़ट में ये डॉट नहीं है वहाँ पर टाइमिंग कैसे होगा, यही जो है आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। यदि डॉट की सीध में डॉट डालेंगे फिर तो टाइमिंग हो जाएगा। अब जिस साफ़ट में डॉट नहीं है वहाँ पे कैसे होगा, तो गाइज देखिए इस तरह से आपको करना क्या है, ये जो रैचेट है उसको ना तो इधर करना है ना इधर करना है, डॉट की सीध में नहीं रखना, ठीक है। यदि आपके पास ऐसी प्रॉब्लम कभी आ जाए तो आप यहाँ पे देखिए इस कट को इसकी सीध में कीजिए, ऐसे याद रखें इस तरह से बिल्कुल सीध में। आपको किसी भी टाइमिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो रैचेट है उसको नीचे ऐसे दबा के रखें और उसके बाद ये वाशर लगाएं। उसके बाद इस रैचेट को जो टिथ हैं वो आगे की तरफ रखें और ऐसे डालें। उसके बाद एक वाशर और यहाँ पे आएगा। अब ये वाशर लगाएं और उसके बाद ये लॉक लगा दें।
अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस पॉकेट को ऐसे घुमाएं, ये साउंड आना बहुत ज़रूरी है। अब साफ़ट कंप्लीट हो चुकी है, अब करते हैं फिटिंग। सबसे पहले ये कंप्लीट साफ़ट लें और उसके ऊपर ये वाशर लगाएं। अब देखिए ये जो कट है ना, उस कट को आपको सामने देखिए, वो सामने स्प्रिंग का एक हिस्सा दिखाई देगा, उसके अंदर फिट करना है। और ये हिस्सा इस साइड में रखें और इसको घुमा के उसके अंदर फिटिंग करें। जब ये उसके अंदर अच्छे तरीके से फिट हो जाए, उसके बाद आप जो है किक लीजिए और यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस तरह से ये काम करना चाहिए। इसका मतलब ये है, ये स्प्रिंग में अच्छे तरीके से फिट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको इसकी किक लेनी है और इस साफ्ट के अंदर उसको डालिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सामने देखिए, ये आपको किक को जो है इस तरह से घुमाना है। एक चीज़ का ध्यान रखें, जो सामने टिथ है, ये बाहर वाला टिथ अंदर टच नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा आपको इसको साफ्ट को पीछे रख के ही घुमाना है, आगे ना इसको धक्का दें, थोड़ा पीछे रखें, हल्का सा पीछे इस तरह से खींच लें और फिर इसको किक की मदद से ऐसे घुमाएं। घुमाने के बाद जब ये अच्छे तरीके से बैठ जाए इस तरह से, अब उसको जो है आगे की तरफ धक्का दें। देखिए अब आपको उस रैचेट को कहाँ पे बिठाना है वो देख लीजिए। ये देखिए सामने, यहाँ पर आपको इसको रोकना है, ठीक है। जब ये यहाँ पे रुक जाए, जो टिथ हैं वो सामने वो लगभग बराबर हो जाएंगे। सामने जो टिथ है वो जो पहले पीछे था, अब वो बराबर हो चुका है, ठीक है। इस तरह से हमारी जो किक साफ्ट है वो यहाँ पर फिटिंग हो गया। अब ये वासल आपको यहाँ पे लगा देना है। अब कुछ सावधानियाँ, कवर लगाने से पहले इसको चेक कर लें और ये ठेसी को चेक कर लें, लगी है या नहीं, बैरिंग लगा है या नहीं, अच्छी तरीके से बैठा है या नहीं, और उसके बाद ही कवर लगाएं और फिर इसको जल्दी से फिटिंग कर दें। जो ऑयल आपने निकाला था उसको वापस डाल दें। तो बाइक हो चुकी है हमारी रेडी और इसके साथ दीजिए अनुमति। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।